सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी मीटिंगें चल रही थी और उसके कारण मुझे भी लगा आप तो मेरे घर के हैं, थोड़ी तकलीफ होगी तो चल जाएगा। आप सब यहां पर अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से भारत की एक उत्तम छवि है, वो यहां के जनजीवन में प्रस्थापित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसने आपको बहुत बखूबी आपने निभाया है। भारत का गौरव बढ़ाने में, भारत के प्रति दुनिया का सकारात्मक ख्याल तैयार करने में, विश्व में पहुंचे हुए जो भारतीय हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी देश में जाइए, भारतीयों के प्रति शिकायत होगी ऐसी कोई घटना अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई है। गत 5 वर्ष में दुनिया के कई देशों में गया, दुनिया के कई देशों के महानुभावों से मिला और हर किसी ने उस देश में भारतीय कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो व्यवहार है, संस्कार है, उसका गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है और भारत की जो आज दुनिया में छवि बन रही है, आप भी अनुभव करते होंगे कि भारत के प्रति लोगों का देखने का नजरिया बदला है, वहां की सरकारों का नजरिया बदला है। तो एक सुभग संयोग हुआ है कि वर्तमान सरकार और विश्व में फैला हुआ भारतीय समुदाय, इन दोनों के बीच में एक ऐसा वेवलेंथ तैयार हुआ है, एक ऐसी वैचारिक धरातल तैयार हुई है, एक सपनों का इस प्रकार से संकलन हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जो सोचता होगा, दूर सुदूर अफ्रीका के गांव में बैठा हुआ कोई भारतीय भी छोटी दुकान लेके बैठा होगा, वो भी वैसा ही सोचता है, वैसा ही बोलता है। श्रीलंका के किसी कोने में होगा, वो भी वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को देने के लिए आपकी भूमिका का मैं गर्व से स्वीकार करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। हिंदुस्तान में पिछले दिनों जरा आप ज्यादा खबरें देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, डिबेट देखते होंगे, तू तू मैं मैं की कहानियां सुनते होंगे। कभी आपको अच्छा लगता होगा, कभी आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन वो दौर समाप्त हो चुका है और देश की जनता ने एक बहुत ही क्लियर कट मैंडेट दिया है। ये अपने आप में भारत के मतदाता की सूझबूझ कितनी परिपक्व है, उसकी समझदारी कितनी परिपक्व है, ये दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। लोग भले कहें कि भारत में शिक्षा का प्रमाण यह है, डिकना है, फलाना है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उसकी समझ, देश के प्रति उसकी जिम्मेवारी का उसका एहसास इस चुनाव में हम भली भांति देख सकते हैं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र का जितना जयगान हम कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा चुनाव, 900 मिलियन मतदाता और
अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी भी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों ने इस बार वोट डाला है। और ये इतना बड़ा निर्णय होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान इस चुनाव में हुआ है, आजादी के बाद लोकसभा में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी मई महीने में 40-45 डिग्री टेम्परेचर, घर से बाहर निकलो तो चमड़ी जल जाए, उसके बाद भी मतदान हुआ। आजादी के बाद अब तक महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी चुन करके आए हैं, यानी एक प्रकार से भारत ने दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश दिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना परिपक्व है, भारत का लोकतंत्र कितना सामर्थ्यवान है और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारत कितना समर्पित है। भारत में लोकतंत्र ये व्यवस्था नहीं है, भारत में लोकतंत्र ये संस्कार है। और दुनिया यही समझ नहीं पाती है, दुनिया आज भी व्यवस्था से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, भारत संस्कारों से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है उसमें लोकतंत्र का एसेंस है और उसी के कारण आज हमारा लोकतंत्र सामर्थ्यवान बनकर के नित्य नई ताकत पाते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैंने तो चुनाव जीतने के बाद भी कहा है कि भले मतदान के समय अधिक मत कम वोट, ज्यादा वोट वाला जीतता है वगैरह होता है, लेकिन वो सब काउंटिंग तक ही होता है। काउंटिंग होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान एक होता है। ₹130 करोड़ देशवासियों का कल्याण, यही सरकार का लक्ष्य होता है, यही सरकार की जिम्मेवारी होती है। और मैंने उसको दोहराया है, आज फिर से दोहरा रहा हूं, हमें देश को आगे ले जाना है, 5 साल में और गति बढ़ानी है और नए क्षेत्र बढ़ाने हैं, हर हिंदुस्तानी का सपना पूरा करने के लिए प्रयास करना है, उसमें कोई कमी न रहे। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे, भारत की विकास यात्रा में आप भी भागीदार बने, आपको भी मेरा निमंत्रण है। आपने इतनी बड़ी यात्रा मात्रा में आकर के हमें आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।